हे फैमिली, दिस इज सलमान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक होने वाला है बर्ड्स की मेडिसिन के ऊपर, कि हम बर्ड्स को कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, या फिर वो बीमार होते हैं, या फिर जब वो ब्रीड करते हैं, क्योंकि मेडिसिन उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा है कि इनको मेडिसिन पे ही रखना है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि इनके लिए मेडिसिन ज़रूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और यूं ही हमें प्यार करते रहें। और इंस्टाग्राम पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फैमिली, ये सारी मेडिसिन है जो मैं अपने बर्ड्स को देता हूँ ब्रीडिंग सीजन में, ऑफ सीजन में, और जब उनकी तबीयत ख़राब रहती है, ताकि वो अच्छे रहें, अच्छे से ब्रीड कर पाएँ और उनकी हेल्थ वगैरह भी बहुत अच्छी रहे। तो अगर आप एक बर्ड लवर हैं, आपको बर्ड्स पसंद हैं और आप उनको रखना पसंद करते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और अगर आपको ऑलरेडी नॉलेज है कि बर्ड्स को क्या क्या मेडिसिन हमें देना चाहिए और हम दे सकते हैं, तो ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है, बिकॉज आपको तो ऑलरेडी पता है, तो फिर आपका टाइम ज़ाया होगा। तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको ये चीज़ें फेस करने को मिलती हैं जब वो एक बर्ड का शौक रखते हैं, और शुरू शुरू में जब वो उनको कुछ पता नहीं होता है कि लूज मोशन हो गया या ब्रीड करना है, कैल्शियम कैसे देना है, तो वो लोगों से पूछते हैं, देन उनको तुरंत या अच्छे से गाइड नहीं कर पाता है कोई, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद फेस की हैं जब मैंने शुरू शुरू बर्ड्स का शौक किया, और मुझे भी एक्साइटमेंट रहता था बर्ड्स का और ब्रीड कराने का, तो मैं लोगों से पूछता था। उसमें कुछ बहुत अच्छे लोग भी मिलते थे जो अच्छे से गाइड करते थे, और कुछ लोग इग्नोर करते थे। तो मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए। तो एक एक करके मैं मेडिसिन के बारे में बताता हूँ आपको, और मेडिसिन देना भी बर्ड्स को बहुत ज़रूरी है अपने, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न में देखिए होता क्या है कि जब बर्ड जो होता है वो नेचर में होता है, जंगल में होता है, वाइल्ड में होता है जैसे, तो वो अपने अकॉर्डिंग खाना पीना खाता है। उसको खाने में विटामिन, कैल्शियम, मल्टी विटामिन जो भी होते हैं, वो सब उसको अपने आप खा लेता है, और उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफ़िल हो जाती है। लेकिन जब हम एक बर्ड्स को रखते हैं अपने पास, तो सारी जिम्मेदारी हमारी होती है कि वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, हम उसको क्या दे सकते हैं अच्छा, तो ये सब हमारे ऊपर डिपेंड होता है। तो जब भाई बर्ड्स रखते हैं और वो ब्रीड करते हैं, तो उनको कैल्शियम की ज़रूरत होती है, मल्टीविटामिन की ज़रूरत होती है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि उसको ज़रूरत है? तो आप अगर आपने बर्ड्स रखी है, तो देखिए मैं जो यूज़ करता हूँ, ये मैकेलविट का सिरप है जो कि ह्यूमन के लिए है, और ये आपको मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएगा। तो ये आप अपने बर्ड्स को हफ्ते में दो बार दे सकते हैं, सुबह के टाइम जब आपने रात में पानी निकाल दिया, और सुबह जब उनको पानी दिया तो उसके अंदर इसको मिक्स करके दे दिया, तो वो पियेंगे और उनके बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, उनके ऊपर वर्किंग करना शुरू कर देगा। और ये भी कैल्शियम प्लस जो है, ये भी कैल्शियम के लिए ही है। लेकिन ये जो मेडिसिन मैं दिखा रहा हूँ और इसके हर्बल हैं, ये मेडिसिन बेसिकली बर्ड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो ये जो मेडिसिन है, या तो ये आपको मेरे पास मिलेगी, या तो इसके और भी जो डीलर हैं जो इसके लिए वर्किंग कर रहे हैं, ये उनके पास मिलेगी। आपको ये मेडिसिन मार्केट वगैरह में या फिर बाहर नहीं मिलेगी आपको, लेकिन ये मेडिसिन आपको बाहर मिल जाएगी। तो मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि अगर 30 ml पानी है, तो उसमें आप 3 से 4 ड्रॉप मिला के दे सकते हैं, या फिर 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में आप 5 ml ये दवा मिला के दे सकते हैं। तो बेसिकली ये कैल्शियम के लिए काम करती है, ठीक है। दोनों मैंने मेडिसिन दिखा दी आपको, और ये है A2Z, ठीक है, ये A2Z सिरप है। ये बेसिकली ह्यूमन मेडिसिन है, ये आप बर्ड्स को दे सकते हैं अपने, ये मल्टी विटामिन के लिए काम आती है, तो ये मल्टी विटामिन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, और मल्टी विटामिन के लिए ही है। तो ये जैसे मैंने आपको डोज बताई देने के लिए, सेम वैसे आप इसको भी दे सकते हैं। ये A2Z है, आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मल्टी विटामिन का ये काम करता है, ठीक है। देन हम आते हैं बर्ड केयर पे, ये भी हर्बल मेडिसिन है जो कि मैंने कहा कि बाहर आपको नहीं मिलेगी, हम लोग के पास मिलेगी।
तो ये बेसिकली है जैसे बर्ड्स के फेदर शाइनिंग करना, बर्ड्स की हेल्थ अच्छी होना, बर्ड्स अगर पर फुला के बैठा है तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और वो बच्चे हैं जैसे हैंड फीडिंग बच्चे हैं, तो जैसे हम नियोपेप्टाइन यूज़ करते हैं मेडिसिन में, उसके हैंड फीड पे मिला के उसको देते हैं खाने में उसके, तो हम ये भी मिला के दे सकते हैं। मतलब मल्टीपर्पज़ मेडिसिन है ये बर्ड केयर, ठीक है। इसका छोटा और पैक, बड़ा पैक दोनों अवेलेबल है, इसका कॉम्बो भी आता है। और अगर आपके बर्ड्स को लूज मोशन हो गया है तो मल्टीपल्स ऑप्शन है। बेसिकली देखिए, मल्टीपल ऑप्शन है मेडिसिन के, हर एक बीमारी के लिए अलग मेडिसिन है, तो इस वीडियो में कवर करना नहीं पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन जो बेसिक बेसिक मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें से कुछ मेडिसिन आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, अदरवाइज़ कुछ मेडिसिन जैसा मैंने बताया कि मेरे पास या जो भी डीलर वगैरह हैं जो इनकी वर्किंग करते हैं उनके पास मिल जाएगा। अगर बर्ड्स को आपके लूज मोशन होता है, तो जैसे ये लूज मोशन के लिए बर्ड केयर हर्बल मेडिसिन है, तो मैं ये भी यूज़ कर लेता हूँ। और मेडिकल स्टोर पे आपको फ्लाइजिल करके टैबलेट भी मिल जाएगी और लिक्विड भी मिल जाएगा, तो वो भी लूज मोशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि लूज मोशन बहुत ही एक रेयर बता रहा हूँ मैं, बहुत ही कॉमन बीमारी है जो बजीज़ में भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और अक्सर हर बर्ड में हो जाती है। क्योंकि हमें क्या अपने बर्ड को खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, क्या उनको मेडिसिन देनी है, हमें पता नहीं होता है। मेडिसिन ज़्यादा हो गई तो लूज मोशन होने का डर रहते हैं, या गर्मी में हम उनको सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, गर्म चीज़ें दे रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात उनको लूज मोशन होगा। लूज मोशन में ये होता है कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो फिर उसकी डेथ हो जाती है बर्ड की। तो फ्लाइजिल आप मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, टैबलेट लिक्विड दोनों, तो आप लिक्विड भी ले सकते हैं, और टैबलेट लिया तो वही पानी में आपने घोल के दे दिया, ठीक है। फिर एक ये मेडिसिन आ जाती है, ये भी हर्बल मेडिसिन है, और ये है बर्ड बूस्टर। ये बेसिकली जैसा मैंने बताया कि फेदर फुला के बर्ड बैठना एक्टिव नहीं है और कुछ बीमारी है जैसे कि आपको पता नहीं चल पा रही है। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं टेट्रासाइक्लिन एक आता है, ठीक है, वो एंटीबायोटिक है। जब हमें कोई बीमारी नहीं समझ में आती है, हम कहीं से बाहर से बर्ड लाते हैं तो उसको हम एंटीबायोटिक देते हैं ताकि। तो जैसे मैंने बताया आपको कि टेट्रासाइक्लिन आता है एंटीबायोटिक के लिए, तो वो हम बर्ड को बाहर से ला रहे हैं या फिर कुछ बीमारी समझ में नहीं आ रही तो हम वो दे सकते हैं, ताकि कोई भी बीमारी हो तो वो टेट्रासाइक्लिन जो होता है एंटीबायोटिक वो उसके ऊपर काम कर सकते हैं। बेसिकली बर्ड गेयर भी वैसे ही काम करता है, अच्छा, अच्छी मेडिसिन है ये। और फिर आता है ब्रीडिंग प्लस, जो बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे हैं या ब्रीड के मूड पे नहीं आ रहे हैं उनके लिए होता है ब्रीडिंग प्लस। हम इसको सॉफ्ट फूड में या पानी में मिला के दे सकते हैं। तो ये बर्ड्स को ब्रीड पे लाने के लिए, उनका ब्रीडिंग की तरफ मूड डाइवर्ट करने के लिए हेल्प करता है। और इसी का एक और अच्छा वर्जन है हाईब्रिड, ये भी सेम वैसे ही हम यूज़ कर सकते हैं सॉफ्ट फूड और पानी के अंदर, और हम इसका डोज होता है पूरा अलग अलग, इसको भी हम मिला के दे सकते हैं सॉफ्ट फूड में और पानी में, ठीक है। तो ये बेसिकली ब्रीड के लिए होता है, जो बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा है या फिर मूड पे नहीं आ रहा उसके लिए। और ये होता है, ये है डीवॉर्म। हर बर्ड या कैट डॉग एनिमल जो होते हैं उनके लिए डीवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज उनकी पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं उसके लिए, या पेट की गंदगी जो होती है उसके लिए डिवॉर्मिंग हम लोग कराते हैं। तो ये डिवॉर्म है बर्ड्स के लिए, जो कि ब्रीडिंग से पहले भी बहुत सारे लोग जिनको नॉलेज है वो डिवॉर्मिंग करा देते हैं ताकि ब्रीड अच्छी मिल सके। और डॉग कैट के लिए भी ब्रीडिंग वो डिवॉर्मिंग आदमी कराता है, ठीक है, जिससे हमारे पेट बहुत ही हेल्दी रहें। और ये है बर्ड हीलर, ये बेसिकली जो बर्ड सूखे पे आ जाते हैं या बच्चे हैंड फीड के हम उठाते हैं, हैंड फीड कराते हैं, और उनकी हड्डी सीप बाहर आ जाती है और बर्ड हमने रखे उनके भी आ जाते हैं जैसे सीप वगैरह, ये उसके लिए काम आता है बर्ड हीलर। बेसिकली बर्ड को ये हील करने में हेल्प करता है ताकि उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए और वो जो सीप होता है वो सही हो जाए। क्योंकि सीप बहुत गंदी बीमारी है, बर्ड को अगर आ गई और हमने ध्यान नहीं दिया तो बर्ड की डेथ हो जाती है। देन दो मेडिसिन है, मेडिसिन के स्प्रे है ये बॉर्डर। जैसे हम अपने बर्ड्स को रख रहे हैं और उसने एग दिए या बच्चे निकले, चिक्स निकले, तो चींटियां कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो ये उसके लिए है कि हमने स्प्रे किया तो ये उससे प्रोटेक्ट करता है। और ये है ए केज गार्ड,
जो कि वायरस वगैरह के लिए होता है कि कोई बेड हम बाहर से लाए और क्या उसके साथ बीमारी है, क्या वायरस है, इन्फेक्शन वगैरह है, ये उसके उससे प्रोटेक्ट करता है केज गार्ड। तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मेडिसिन आपको बाहर नहीं मिलेगी। ये सारी मेडिसिन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बाहर नहीं मिलेगी, ये आपको सिर्फ मेरे पास या फिर जो उसके डीलर हैं काम करते हैं उनके ही पास मिलेगी। तो आप ऑनलाइन इसको ऑर्डर कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये सारी मेडिसिन मैं खुद अपने बर्ड्स के ऊपर यूज़ करता हूँ, और एक दो मेडिसिन जो कि मैं आपको नहीं बता पाया हूँ, दिखा नहीं पाया हूँ, वो आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, उसका नाम मैंने बता दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे और हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना सपोर्ट देना ना भूलें। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आपके मतलब की वीडियो है, आपके बर्ड्स के मतलब की वीडियो है, तो वीडियो पूरी देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।